जी है, जी 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 तो जी जी या कॉमन है वो तो। मतलब वो हाँ कुछ हाँ चीजें यस यस ऐसी हैं यस इसमें, यस क्या कितना इसके हाँ। ऊपर रिसर्च हुआ? तो इस चीज ये तो एक ही हो गया मिथ। इसके भी अलावा अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो जिस तरह हम बात करते हैं द्रास ऑनलाइन के, यही मकसद रहता है कि जो भी द्रास के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ हम ऐसे अपने पैनलिस्ट में ऐसे लोगों को लाते हैं जिन लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन इस सोसाइटी के लिए काफ़ी कुछ दिया है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ एक बहुत अजीम गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ द्रास के ही हैं, आप भी कुछ लोग हैरान होंगे कि इकबाल अली खान साहब हमारे साथ हैं, जो वही द्रास गोशन से बिलोंग करते हैं, PhD स्कॉलर भी रह चुके हैं, और खासकर जो रिशन मैकपाई है जिसको हम शीना जबान में हम बोलते हैं खरकाश, खरकाश उस पर जो है रिसर्च करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा स्पेसीज में इंटरनेशनल पब्लिश भी किया है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल में। बहुत बहुत शुक्रिया सर थैंक यू सो मच हमें सर, टाइम थैंक देने यू के सो लिए। मच, थैंक यू सो मच इकबाल साहब, थोड़ा हमारे नाजरिन को बताएं जितने भी हमारे द्रास ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म्स आपको देख रहे हैं, जी जी बिल्कुल। थोड़ा अपना बेसिक इंट्रोडक्शन, और इस तरह PhD का एक ऐसा आपका ऐसे सफर रहा। जी 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 सो स्टार्टिंग फ्रॉम माई एजुकेशन, मैंने अपना जो फर्स्ट टू 12th जो है मैंने केंद्रीय विद्यालय स्कूल से किया है, एंड फिर आफ्टरवर्ड्स जो मैंने बैचलर्स किया है वो हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से ही किया है, क्योंकि उस टाइम पे बैचलर्स वाज द ओनली थिंग जो कि यहाँ पे अच्छे से होता था। फिर इसके बाद मास्टर्स के लिए हमें जो है बाहर जाना पड़ता था उस टाइम पे। फिर जब जब हमने एंट्रेंस का जो है मैंने जो है अपना मास्टर्स HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी से किया है, फिर PhD जो है मेरा अभी जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू हो रहा है, और अभी मेरा लास्ट ईयर है PhD का। और जो टॉपिक जो मैंने PhD का जो चूज़ किया है वो है आपका यूरेशियन मैगपाई, क्योंकि ये एक ऐसा बर्ड है जो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ लद्दाख मतलब जो एरिया है उसी में ही पाया जाता है, और ये स्पेसिफिक इसलिए है बिकॉज इसका नाम में ही जो है यूरेशियन है, मींस कि ये यूरोप प्लस एशिया दोनों कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, बट जो स्पीशीज हमारे यहाँ पे है दैट्स कॉल्ड पीका पीका बैक्टीरियाना, ये एक यूरेशियन मैगपाई का ही एक सब रेस है जो सिर्फ और सिर्फ लद्दाख के अंदर ही महदूद है। तो दैट्स वाई दिस स्पीशीज वेरी वेरी मच इंटरेस्टिंग। और इस स्पीशीज का बिहेवियर की बात करें तो आपको तो मैक्सिमम ये पता है कि ये समर हो विंटर्स हो ये हर जगह जो है एज ए स्कैवेंजर्स की तरह काम ही करता है। स्कैवेंजर्स मींस ये आपके जो भी फूड वेस्ट जो है उनको खाने में इसका रोल है, प्लस जो हमारे जो अनप्रोटेक्टेड मीट्स जो ऐसे बाहर फेंके हुए हैं जिससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, तो ये जो है बर्ड उस चीज पे जो है फीड करता है, जिसकी वजह से जो है समवेयर इसका जो है हमारे लेह का जो लेह या फिर हमारे कारगिल का जो मतलब वातावरण है उसमें इस बर्ड का बहुत बड़ा रोल है। बहुत खूबसूरत बात कही है इकबाल साहब। इकबाल साहब मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, काफ़ी हमने सुना भी है अपने एंसेस्टर से सुना है, एक मिथ हुआ करता है जब जी खरकाश या खरशुम्बटू आता है घर में तो कहते हैं कि कोई मेहमान आने वाला है, जी 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 तो जी या कॉमन है वो तो। मतलब वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसमें, क्या कितना इसके ऊपर रिसर्च? तो इस चीज ये तो एक ही हो गया मिथ। इसके भी अलावा देयर आर सो मेनी मिथ्स एक्चुअली। तो मेरा ये मानना है ये मिथ समवेयर उस बर्ड के लिए अच्छा भी है, बिकॉज समवेयर वो बर्ड जो है एक हैप्पीनेस जो है लोगों की तरफ ला रहा है, एक मैसेज ला रहा है कि भाई हमारे घर पे गेस्ट आ रहा है, तो अगर कोई मैगपाई आपके घर के ऊपर आके कॉल करता है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि भाई आज हमारे घर पे कोई गेस्ट आने वाला है। सो ये समवेयर उस बर्ड का कंजर्वेशन के लिए हमारे ह्यूमन बीइंग का यहाँ के लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर वो बर्ड कोई खुशियां ला रही है मीन्स कि वो उस बर्ड के लिए अच्छा है, क्योंकि मेरा तो ये मानना है। बट अगर आप कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जब मैंने ये भी सुना था कि ये जो है मतलब आबाई जो भी वो आजकल जो आ रही थी बीमारियां, लोग तो ये भी मान रहे थे कि ये मतलब आबाई बीमारी वो जो है ये बर्ड जो है टेकअप कर रहा है, ये यहाँ तक जो है ये थोड़ा जो है वेग है जहां तक मेरा मानना है, बिकॉज क्योंकि ये बर्ड ऐसा एक बर्ड है जो पोस्ट ब्रीडिंग मोल्टिंग में जाता है। जो मैक्सिमम जो बर्ड्स होते हैं मोस्ट ऑफ द बर्ड्स क्या होते हैं कि प्री ब्रीडिंग मोल्टिंग में जाते हैं। प्री ब्रीडिंग मीन्स कि मेटिंग से पहले मेल अपने आप को जो है मोल्टिंग पीरियड में जाता है। मोल्टिंग मीन्स अपने जो पुराने जो फेदर्स होते हैं उसको शेड करके नए फेदर्स आते हैं,
जिसकी वजह से वो थोड़ा ब्राइटली दिखता है तो फीमेल उससे अट्रैक्ट होते हैं। बट इस मैगपाई में क्या है, ये जो मैगपाई है इनका जो पेयरिंग होती है वो मोनोगेमस होता है। मोनोगेमस मींस ये पेयर्ड फॉर लाइक वंस इन वंस फॉर अ व्हाइल, मींस कि ये अगर एक बार इसका पेयरिंग हो गई है तो सालों साल ये एक ही पेयर के साथ ही इसका पूरा रहेगा, ये इसकी लाइफ हिस्ट्री है। तो उस मैगपाई के लिए जो है प्री ब्रीडिंग में जाना वर्थ नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी ही हैव द मेट, उसके पास मेट है ऑलरेडी। बट क्या होता है कि जब हमारे यहाँ विंटर बहुत हार्श होता है तो इसलिए क्या होता है कि वो मेन समर पीक टाइम में जो है जो पिछले साल के विंटर का जो उसका जो फर है उसको शेड करता है, क्योंकि समर टाइम में टेम्परेचर ठीक है, इतना ठंड भी नहीं है, तो वो थोड़ा अपने जो है अपने जो बॉडी के जो फेदर्स है उसको शेड करके नए फेदर्स ग्रो करता है। फॉर व्हाट? एक्सट्रीम विंटर्स के लिए, ताकि विंटर्स में और अच्छी जो है कोट आ जाए। जैसे कि हम जो है विंटर्स में कोट पहनते हैं, उसी तरह ये बर्ड क्या करता है समर्स में जो है मोल्टिंग में जाके कि हमारा जो नवंबर टाइम जब आता है उस टाइम तक जो ये पूरा अच्छे से जो है फेदर्स ग्रो हो चुका होता है। तो दैट इज द थिंग कि हमें ये लगता है कि भाई ये बर्ड को जो है कुछ ना कुछ टाइप की वो हो गई है बीमारी टाइप की, जबकि ये बिल्कुल वेग है, वो जो है पोस्ट ब्रीडिंग मोल्टिंग में जा रहा होता है। और प्लस जून के टाइम में जो है इस बर्ड का जो जुवेनाइल्स भी घूम रहे होते हैं। ये चीजें जो है मैं आपके आपके ऑडियंस के थ्रू ये बताना चाहूंगा कि ऐसा कोई मिथ जो है मैं सब समझता हूँ कि ये कोई वबाई बीमारी को जो है टेकअप कर रहा है, जबकि ये क्या है कि अपने एक नेचुरल प्रोसेस में जा रहा है, ये अपने पोस्ट ब्रीडिंग मोल्टिंग में जा रहा है, तो दैट्स व्हाई इट लुक्स बैड। तो बहुत सारे लोगों के कुछ जो सवाल है आई थिंक उनके क्लियर हो गए होंगे। सर इकबाल साहब, आप ये बताए एज ए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी आप और किस तरह देखते हैं सर आने वाले दिनों में ग्रास, जिसे हम देखते हैं हिमालयन ब्राउन बियर की बात करें या एजेक्स की बात करें, किस तरह के स्पेसीज द्रास में हैं, थोड़ा वो बताएं। जी एज ए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी मेरा पैशन है फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स, बिकॉज जब हम इस फील्ड में आते हैं तो हमें हर जगह जाने का मौका मिलता है, सो वहाँ के जो वाइल्ड लाइफ को हमें एक्सप्लोर करने का भी एक फ्रूटफुल मौका मिलता है। तो समवेयर मैं ये मानता हूँ कि ये वाइल्ड लाइफ ही है जिसकी वजह से आने वाले टाइम में जो है द्रास का जो मेन फ्यूचर है, मेन स्पेशली इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म, ये ब्राउन बेयर और ये जो जो वाइल्ड लाइफ है वो उसी से ही जो है द्रास मैक्सिमम हाईलाइट होगा, जहां तक मेरा मानना है। बिकॉज जो ब्राउन बेयर जो स्पीशीज है पूरे इंडिया में इसका सबसे जो है बेस्ट साइटिंग जो है द्रास में होता है। सो फार जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म हुए हैं का मतलब जो अभी तक स्पेशली फ्रॉम मतलब इंडिया, वो द्रास से हुआ है। और जितने भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स आए हैं जो वेल नोन है, उन्होंने भी जो है सारा डॉक्यूमेंटेशन जो है द्रास से किया है। तो मींस कि समवेयर ये जो स्पीशीज है वो इतने कैरिस्मेटिक है कि यही स्पीशीज जो है आपको आने वाले जो है सालों में जो है बहुत ज्यादा इनकम देने वाला है। तो वी हैव टू नो अवर वाइल्ड लाइफ वेरी वेल, तब जाके जो है हमें आने वाले समय में इंटरेक्ट करना चाहता हूं। एक सवाल लोगों का यहां पे ये है सर, बहुत सारे लोग अभी हमें कह रहे हैं कि अचानक इस बार जो हमने ब्राउन बियर को देखा अचानक एब्रप्टली कहते हैं विंटर स्लीप करता है, तो हमने देखा कि विंटर स्लीप नहीं हो रहा है, या क्या मतलब ये लग रहा है सर विंटर स्लीप? अच्छा। बात तो हमें देखा कि वाइल्ड लाइफ जी जी ब्राउन बियर है वो जल्दी ही अपने जी 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 सो यहाँ पे मैं अपना एक्सपर्टीज नहीं रख पाता हूँ, बिकॉज मैंने उस स्पीशीज को इतना अच्छे से नहीं समझा, बिकॉज मेरा बर्ड का फील्ड है। तो मेरा एक फ्रेंड है नियाज भाई, वो वही इस चीज के बारे में अच्छे से जानते हैं कि व्हाई दे आर वेक अप अर्ली। बट जहां तक मेरा मानना है समवेयर क्या है कि आजकल का दौर में जो है क्या हो रहा है, चाहे आप विंटर हो चाहे समर हो, बहुत ज्यादा जो है आजकल सबसे पहली चीज तो स्नोफॉल इज वेरी लेस, ठीक है, स्नोफॉल बहुत कम हो रहा है। और सेकेंडली जो है हर साल जो है बहुत ज्यादा नॉइस पोल्यूशन हो रहा है। नॉइस पॉल्यूशन इज द ओनली थिंग जिसकी वजह से जो है ब्राउन बेयर एक्टिव हो रहे हैं, स्पेशली द ब्राउन बेयर विद देयर बेबीज, जो अपने बच्चों के साथ है जो केव में जो है काइंड ऑफ हाइबरनेट कर रहे हैं। तो उस टाइम पे नॉइस पॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है कि समवेयर वो जो है जल्दी जाग रहे हैं, और इसका इन्फ्लुएंस जो है वाइल्ड लाइफ पे ये हो रहा है कि उस टाइम पे जो है आपको तो ये पता है कि ब्राउन बेयर जो है 70% ऑफ द ब्राउन बेयर डाइट इज वेजिटेरियन, ठीक है, और 30% जो है जब ये मतलब हाइबरनेशन पीरियड में जा रहा होता है तो उसको एक प्रोटीनिशियस डाइट चाहिए, तो इट गो फॉर लाइक मतलब हंटिंग, ठीक है, उसको अच्छे एक
एक वेल नोन मतलब प्रोटीन डाइट मिले ताकि वो पूरे 3-4 महीने जो विंटर को हाइबरनेट का जो उसमें वो कुछ नहीं खाता। तो अब इस टाइम पे क्या हो रहा है कि जब हाइबरनेशन उसका जल्दी हो रहा है तो हमारे जो मैक्सिमम जो पहाड़ है वो पूरे स्नो में कैप्ड है, ठीक है, वहां पे बहुत सारा स्नो है, तो उसको खाने के लिए जो जो रूट्स हैं, जो उसके फ्लावर्स, जो फ्लावर्स के जो पॉट्स हैं, वो मिल नहीं रहे उसको, जो वेजिटेरियन मटेरियल है खाने का वो उसको नहीं मिल रहा है। दैट्स व्हाई उसको इजी फूड के लिए वो कहाँ पे आ रहे हैं, वो गांव में आ रहा है। और गांव में जो है विद स्टैंड विद डेवलपमेंट से क्या हुआ कि बहुत सारे मतलब ब्रिजेस जो है बन गए, ठीक है, और बहुत सारे नहीं सहूलियत है ना, सहूलियत सब कुछ चाहिए, ठीक है, तो उसी ब्रिजेस के बनने से यानी लोगों की जाने आने का जो 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 फ्लो है वो अच्छा होने की वजह से क्या हुआ कि ब्राउन बियर का इन्फ्लुएंस ह्यूमन के जो है मतलब एरिया में ज्यादा होने लगा। और हमें ये चीज याद भी रखना है कि ह्यूमंस आर द वन जो वाइल्ड लाइफ एरिया में इंक्रोच है, ना कि ब्राउन बियर ह्यूमन के उसमें मतलब इंक्रोच्ड है। इसलिए ये हमें ध्यान में रखना है कि जो ह्यूमन बीइंग आर द ओनली वन जो उसके हैबिटेट के अंदर हम घुस रहे हैं, हमें ये लगता है कि बीइंग ए ह्यूमन की हम जो है ये हमारा एरिया है तो ब्राउन बियर हमारे यह जगह पे आ रहा है। भाई ब्राउन बियर जाएगा भी कहाँ भाई, जब अगर आप ही जो है उनकी जगह जो है जगह जाके घर बना रहे हो नॉर्मली जो है जो भी होता है, ठीक है, तो उस चीज से क्या होता है कि हमें ये चीज एक सेंसिबल वे में सोचना है कि हमें जो है एक बीच का रास्ता चुनना है कि जहाँ से वाइल्ड लाइफ भी जो है अपने जगह रहे और ह्यूमन बीइंग भी अपने जगह मतलब सेफ रहे। मतलब बहुत अच्छी बात कही सर कि हमें जो है दूसरे के हैबिटेट को नुकसान नहीं पहुंचाना। यस, तो सर हम बर्ड्स की बात करें तो जिस तरह के बर्ड्स आपने देखा और आने वाले आपके सोशल मीडिया के जैसे हमें जब आप बर्ड वॉचिंग कर रहे थे कुछ नए ऑब्जर्वेशन आ गए बर्ड में, ये बहुत खुशी की बात है पूरे काम के लिए, तो मैं चाहता हूँ आपकी जबानी ही वो बात आए। ये इट्स ए गुड न्यूज एक्चुअली। अभी रिसेंटली कल ही जो मैं बर्ड वॉचिंग पे जो है ये मुश्कू वाले साइड जा रहा था तो वहाँ पे जो है एक बर्ड जो कि 41 इयर्स के बाद जो है स्पॉट हुआ है, 41 इयर्स के बाद, यानी पूरे इंटायर लद्दाख में उसका जो लास्ट रिकॉर्ड है 41 इयर्स है, यानी इन 1982 में जो है फर्स्ट स्पॉट हुआ था वो बर्ड लेह में, यानी पहले वो लेह में हुआ था, फिर जो है नोबडी नोज कि वो लेह में, फिर जो है 2020 में जब मैं यहाँ पे ये ब्राउन बियर के लिए फर्स्ट टाइम स्पॉटिंग के लिए आया था तो वो मुझे बर्ड दिख गया था, बट समवेयर मुझे ये फील हुआ था कि ये बर्ड तो मतलब इसका रेंज यहाँ पे है तो इट इज कॉमन हियर, ठीक है, बट वो मेरे माइंड में इतना विजुअलाइजेशन नहीं था। बट नाउ डेज जब ये चीजें जो है सामने आई तो 2023 में, यानी कल मेरे दोस्त के साथ वो भी हो रहा था इंटरेक्शन हो रहा था, उसने कहा कि येलो हैमर बर्ड आपने देखा है कि नहीं, तो समवेयर मेरे माइंड में ये आया कि यार व्हाई नॉट आई गो द सेम प्लेस और लुक फॉर द बर्ड। तो मतलब इंटरेस्टिंगली वो बर्ड वही एरिया में था, मींस कि आप ये समझ सकते हो कि कितना पोटेंशियल है हमारे मतलब पूरे द्रास सेक्टर के अंदर। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो पूरे कारगिल पूरे रीजन में जो है 200 प्लस बर्ड्स यहाँ पे जो है स्पॉट हुए हैं अब तक और भी होने बाकी है, राइट। तो ये मैं समझता हूँ कि द्रास हो चाहे वो कोई सा भी एरिया हो हमारा, तो वहाँ पे बर्डिंग का जो है पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है, बट एक चीज है हमें उस चीज को जो ऑब्जर्व करना आना चाहिए, दैट्स द ओनली थिंग, और इसके लिए लोगों में इंटरेस्ट होना चाहिए। जब आपके अंदर इंटरेस्ट होगा तो चीजें जो है सामने और आती जाएगी, तो नेचर हैव सो मेनी सीक्रेट्स टू एक्सप्लोर, राइट, सो दैट्स द थिंग। तो बहुत खुशी की बात है जो येलो येलो हैमर ये तो बहुत खुशी की बात है, खासकर जितने भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं या बर्डिंग के शौक रखने वाले जो हैं। सर लास्ट में आखिरकार क्या मैसेज देना चाहते हैं खासकर हमारे यूथ्स को जो आना चाहते हैं टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से या बर्डिंग के शेप में आना चाहते हैं या अपनी एजेंसी कुछ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के रिगार्ड्स या इस हिसाब से, और साथ ही साथ जो लोग बाहर से आते हैं खासकर जो बाहर से वाइल्ड लाइफ जो फोटोग्राफर्स आते हैं उनके लिए हमारे पास क्या चीज होना चाहिए आपके हिसाब से आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? जी जी सी जहाँ तक जो है एक मतलब एरिया का एक काइंड ऑफ इथनिक होता है, इथनिक मींस उनका एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मतलब जो लोग बाहर से आएंगे उनका उनके माइंड में ये होता है कि दे नीड कंफर्ट, राइट, उनको कंफर्ट चाहिए मैक्स टू मैक्स। बट समवेयर हमें क्या करना है कि हमें भी ये सोचना है कि हम उनको कितने हद तक कंफर्ट देंगे, क्योंकि वो तो यहाँ आएंगे एंजॉय करके वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग करके जाएंगे,
बट समवेयर हमें उस चीज को जो है रेगुलेट करना है, राइट, रेगुलेशन जो है अपने वाइल्ड लाइफ का आपके ऊपर है। ये मैं सबको बोल रहा हूँ, जो भी यहाँ पे जो है एज ए बर्ड गाइड या फिर वाइल्ड लाइफ गाइड का काम कर रहे हैं, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस वाइल्ड लाइफ को जो है एक रिस्पॉन्सिबल वे में दिखाएं, ना कि उसके हैबिटेट में घुस के दिखाएं, राइट समवेयर। यानी बहुत सारी चीजें मतलब ऐसी सामने अभी आई थी, मैं वो चीज एक्सप्लोर नहीं करूंगा, बट समवेयर आपको ये जानना है कि कुछ चंद मतलब काइंड ऑफ एफिलिएशन के लिए आपको जो है अपने चीजों को एक्सप्लॉइट नहीं करना, लाइक आपको इस चीज को लॉन्ग रन में लेके जाना है, तो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फर्स्ट, और रिस्पॉन्सिबली ही आपको जो है लोगों को और दिखाना है कि भाई ये यहाँ पे है चीज, ठीक है। उसके साथ साथ सेकेंडली मैं ये चीज कहूंगा कि कल जब मैं ये जो मारपुछू एरिया में जा रहा था, तो वहां पे जो है मुझे बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट देखने को मिला। ये मैं बीइंग ए द्रास से होते हुए भी ये मुझे शर्म की बात है कि लोगों में जो है इतना भी वो नहीं है, शऊर नहीं है कि भाई आप इस ये अपने ही मतलब घर को आप क्या कर रहे हो, गंदगी में डाल रहे हो, ठीक है। उसका एक मतलब इजीएस्ट मींस भी है कि अगर आपको ये लगता है कि आपके पूरे मतलब एक टाउन के अंदर एक काइंड ऑफ हैमलेट में 12 घर में जो है इतने प्लास्टिक वेस्ट हो रहे हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक जगह जो है एक पिक स्टॉप बना के वहां पे जो है गंदगी डंप कर सकते हो, ना कि हर जगह आप ऐसे जो है फेंकना स्टार्ट करें, राइट। तो एक रिस्पॉन्सिबल वे में जो है हमें प्लास्टिक वेस्ट को भी जो है संभालना है, क्योंकि प्लास्टिक ऐसा चीज है जो इसको डिस इंटीग्रेट होने में भी इट टुक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, तो आप सोचो कि कितना इफेक्टिव है ये हमारे इकोसिस्टम को डिग्रेड करने में। सो ये मैं आपकी जो मतलब ऑडियंस है उससे इतला भी उससे ये प्लीज बोलता हूँ कि जितने भी प्लास्टिक वेस्ट आपके एरिया में है उस चीज को जितना हो सके मिनिमाइज करें, और सेकेंडली अगर आपको ये लगता है कि अगर आप उसको अच्छे से रेगुलेट कर सकते हो, तो सारे जो है एक जगह मिल के जो है उसको डंप करके उसको मतलब बरी कर दे, मतलब ठीक है उसको ओपनली जो है वो नहीं करना है, डिस्पोज नहीं करना है, एक जगह डंप कर देना है, जिससे थोड़ा बहुत जो है हैबिटेट अच्छा रहेगा और अच्छा भी लगता है यार। कोई भी बंदा बाहर आता है उसको अगर पूरे हर जगह प्लास्टिक और ये से गंद मिले तो क्या फील होगा उसमें। लोग जो है मतलब द्रास, कारगिल, लेह में जो है शांति के लिए आते हैं, लाइक पीसफुल इन्वायरमेंट के लिए आते हैं, क्योंकि उनको ऐसा जो है मेट्रोपोलिटन सिटीज में बैठ के जो है उनका जो है बहुत प्रेशराइज होता है उनके माइंडसेट, राइट। और वो वही चीज उनको यही आके वो वही चीजें पोल्यूशन सेम यहीं पे मिले तो क्या इम्पेक्ट जाएगा फिर, राइट। इट्स अवर ड्यूटी टू सेफ गार्ड अवर ओन लैंड, राइट। तो ये मैं कहना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत खूबसूरत आपने मैसेज कहा, खासकर प्लास्टिक के हवाले से, और जिस तरह एक बहुत खुशखबरी जो है 41 साल के बाद जी है सर, जी हैमर, राइट, 41 इयर्स के बाद जो है ये जो ब्लैक येलो हैमर जो है बर्ड उसकी यहाँ पे साइटिंग हुई है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है, खासकर द्रास वालों के लिए और पूरे तेलंगाना के लिए। आपका फिर एक बार जितने भी व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, यही हमारा मकसद है, आप तक सटीक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं फिर एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए द्रास ऑनलाइन से बने रहिए। कैमरा लाइन में जुड़े हैं वसीम, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।